समय के साथ साथ इंसान के रहन सहन की आदतों में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन आज भी एक ऐसी जनजाति है जो अभी भी आदिमानव का जीवन जी रही है। विज्ञान ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तरक्की कर ली है, यहाँ तक कि ये लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आदिमानव जीवन का अस्तित्व हैरान करने वाला है। यह भी उस देश का वाक्या है जो दुनिया भर में अपने शक्तिशाली होने का दंभ भरता है। जी हाँ, आज भी खो अरनी जनजाति के लोग पहले की तरह ही आदिमानव की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। यहाँ इक्वेडोर के पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों में ऐसी जनजाति रहती है जो बिना वस्त्र के रहते हैं और आदिमानव का जीवन जीते हैं। चाहे पुरुष हो या महिलाएं या फिर बच्चे, सभी बिना वस्त्र के घूमते हैं। बेशक बदलते समय के साथ इंसान के रहन सहन की आदतों में काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन इक्वेडोर के जंगलों में रहने वाली जनजाति को देखकर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि इंसान पूरी तरह से बदला है। इसमें जरा भी संदेह नहीं, इंसान अब भी आदिमानव का जीवन जी रहा है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाली इस जनजाति की महिलाएं घर में ही रहकर खाना बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष आदिमानव की तरह जंगलों में शिकार करते हैं। इन लोगों का मुख्य भोजन मांसाहार है। इस जनजाति के अधिकतर लोग सुअर और बंदर का मांस खाना ही पसंद करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही जानवरों की हड्डियों से बने गहने पहनते हैं। इन गहनों को ये लोग बेचते भी हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी इन लोगों के रहन सहन और खान पान में कोई बदलाव नहीं आया है। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। हैरानी वाली बात यह है कि मानव सभ्यता में इतना कुछ बदलाव आया है, लेकिन वे अब भी पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों के रहन सहन और खान पान में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।